अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शकील टिंड एक नई वीडियो के साथ जो है मैं हाज़िर हूँ। और ज़रा आप देखें मेरे इर्द गिर्द माहौल, सरसब्ज ग्रीनरी, और साथ जो है आज काफ़ी दिनों बाद जो है सूरज निकला है, तो मैंने सोचा क्यों ना आए कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शकील टिंड एक नई वीडियो के साथ जो है मैं हाज़िर हूँ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाई विकम में, ये लंदन से जो है 20 माइल के ऊपर जो है ये लोकेटेड है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एरिया है, स्मॉल टाउन है लेकिन खूबसूरत बहुत है। ये देखें, मैं अभी एक पार्क में जो है ये मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ तक तहद निगाह जाती है ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, और साथ साथ जो है फॉरेस्ट का जो है वो भी व्यू है, और ऊपर से ये आसमान और बादल। और काफ़ी दिनों के बाद जो है आज सूरज जो है वो मेहरबान हुआ है और उसने जो है अपना दीदार कराया है। अदरवाइज़ जो है यहाँ पे 3-3 दिन 4-4 दिन भी सूरज निकलने का नाम ही नहीं लेता। आई डोंट नो, मे बी नाराज़ हो जाता है इन लोगों से, और फिर जो है 3-4 दिन बाद जो है अपना जलवा जो है वो दिखा देता है। तो गैस, मैंने सोचा आज एक छोटी सी वीडियो जो है वो बना लूँ। जैसा कि मेरे चैनल के ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसके नीचे कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स के नीचे जो है लोग जो हैं अपने जो उनके रिलेटेड जो है कोई क्वेश्चन होता है वो पूछ रहे होते हैं। तो आज जो है मैंने सोचा क्यों ना मैं एक नई सीरीज़ का जो है वो आगाज़ करूं, स्टार्ट लूं। और वो सीरीज़ कौन सी है, वो ये है कि आस्क क्वेश्चन, कि आप लोग जो है मुझसे क्वेश्चन पूछें, कमेंट्स में क्वेश्चन पूछें। तो उसके ऊपर जो है जो मैं देखूंगा कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ख़ास तौर पे कॉमन क्वेश्चन है, कि ये क्वेश्चन जो है और भी कुछ लोग जो हैं ये पूछ रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है मैं ब्रीफली जो है पूरी एक वजाहत के साथ जो है मैं वीडियो बनाऊं। और उस वीडियो में जो आपका कंसर्न होगा, जो आपके सवाल होगा और जिस चीज़ से रिलेटेड होगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो अथेंटिक, और इसके अलावा जो है जितना मुझसे हो सका वो एक वजाहत के साथ जो है मैं वीडियो बनाऊं। तो ये आज से जो है मैंने इस सीरीज़ का जो है वो स्टार्ट मैं कर रहा हूं। और जो है आप जो है कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ख़ास तौर पे यूके से रिलेटेड, यूके स्टडी से रिलेटेड, यूके विजिट वीज़ा से रिलेटेड, यूके वर्क वीज़ा से रिलेटेड, आपका कोई भी क्वेश्चन है, और यूके की ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, यूके के आप किसी एरिया में आ रहे हैं।